भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। मंच में विराजमान हमारे संत समाज और विधायक महोदय बिहारी लाल जी, बाबा राम जी, प्रधान साहब और हमारी यूनिट से पधारे, जो जगदीश की यूनिट टू गार्ड्स फर्स्ट ग्रेनेडियर से पधारे, टू गार्ड्स के एसएम सेनम सूबेदार मेजर परमाराम जी सारण साहब, जो कि नागौर की धरती से हैं। सबसे पहले जो लेटर आया था पलटन के अंदर सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से, परमाराम जी साहब को पता चला कि लेटर आया, तो साहब ने बड़ी खुशी से बोला कि मैं चलूंगा और पूरी टुकड़ी के साथ पांचला की धरती पे जाएंगे और अमर शहीद लाडले जगदीश प्रसाद को श्रद्धांजलि देके आएंगे। तो जितनी भी टू गार्ड्स फर्स्ट ग्रेनेडियर से टीम आई है उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन पांचला की धरती से। और अभी जो बात बता रहे थे सर, जो सारी बात बता रहे थे रटी रटी बात, तो जगदीश प्रसाद और हम एक साथ भर्ती हुए थे, उनकी ऑन ग्राउंड की कहानी दो मिनट में समाप्त करूंगा। एक साथ भर्ती होकर के और हमारे बीच में पधार चुके हैं नागौर के लाडले सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, किसानों के, युवाओं के और जवानों के सेंसा पधार चुके हैं, इनका पूरा मंच स्वागत के लिए खड़े हैं। इसके साथ बाद जगदीश और हम साथ में भर्ती हुए और जगदीश और हमारी एक साथ ड्यूटी मिली नागपुर काम टीम में। हमारे 18 महीने का ट्रेनिंग के बाद हम बड़े खुश नसीब थे कि दोनों हमारे को एक ही पलटन मिली, जो टू गार्ड फर्स्ट ग्रेनेडियर। टू गार्ड फर्स्ट ग्रेनेडियर में जाने के बाद कुछ साल हमने हिसार में सेवा दी और फिर मौका मिला हमारे दोनों को साथ में जाने का। हम कश्मीर की धरती पर गए जहां हंडवारा तहसील कपुवाड़ा लारीवल गांव में वहां पर तैनात थे, जो 15 महीना वहां भी साथ तैनात रहे। और वो काली 10 सितंबर 2015 की वो काली रात हमारे को तो जिंदगी भर याद रहेगी। और मेरे साथ खड़े हैं श्याम राव राजपाल, हम चार पांच ऐसे जवान थे जो साथ साथ हमारे को मौका मिलता जा जाने का। उसके बाद चार तो अब बदनसीब आपके सामने खड़े हैं और एक मां का लाल जगदीश प्रसाद, जो मां भारती के चरणों में समर्पित हो गया। और वो 10 सितंबर 2015 की काली रात हमारे को जिंदगी भर याद रहेगी। और ठीक 11:30 बजे की बात थी और आतंकवादी घर में घुसे हुए थे, वहां से जंगल की ओर भाग रहे थे और हम जंगल की ओर कॉटन करके बैठे थे। और जगदीश के वो जो आतंकवादी था आके जगदीश के ऊपर टकराया और जगदीश के सीधे सामने पड़ा। उसके बाद जगदीश ने उसके ऊपर ब्रुष्ट मारे और उसके ऊपर फायर किया और उसने मरते मरते दम तक जगदीश के ऊपर ग्रेनेड फेंके। दो ग्रेनेड फटे नहीं थे, तीसरा ग्रेनेड जगदीश के पीठ के ऊपर आके अड़ गया और फट गया। और 15 मिनट जगदीश चिल्लाया, हम कुछ कर नहीं सकते थे, काली अंधेरी रात थी, वहां ट्रीटमेंट नहीं पहुंचा और मां भारती का लाल वहां शहीद हो गया। उसके बाद हमारे वहां से आने का इधर मौका मिला और उसके बाद आज 5 साल हो गए लगातार यहाँ से हम टच में हैं। हर एक डॉक्यूमेंट की कार्रवाई उनकी कराई, श्यामलाल जो हमारा साथी वो आया था पूरी कार्रवाई। और हम टू गार्ड्स, जब तक जगदीश का परिवार और जब तक टू गार्ड्स रहेगी उसको कुछ आंस नहीं आने देंगे। जो हमारे से जो होगा उसकी कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम उसके परिवार को आंस नहीं आने देंगे। और पांचला की धरती के जो जवान इस मूर्ति के सागे से गुजरेंगे तो उसका खून खोल जाएगा और यहां से इतना भी फर्क पड़ेगा, काफी तादाद में यहाँ के सैनिक जाएंगे, किसान का बेटा फिर सीमा पर जाएगा, यह मेरा पक्का वादा है। और इसको मातृशक्ति को यही निवेदन करना चाहता हूं कि अब जो अपने गहने महंगे महंगे जो गहने आभूषण पहन रखे हैं उनको कीमती ना समझ करके अपने बच्चों को शिक्षित करें,
आज अपने बच्चे को ही, अगर आपका बच्चा शिक्षित हो गया, अच्छी पढ़ के आगे बढ़ेगा तो वही आपका असली आभूषण बनेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय बड़ा बलवान है, अभी मूर्ति अनावरण होना है, वहां रीत परेड होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।